वेतन चाहिए और पारितोषित नहीं मानदेय चाहिए और हम लोग के सरकारी कर्मचारी का घोषित किया जाए। हम लोग के सरकार कर्मचारी का दर्जा चाहिए, आप लोग को दर्जा चाहिए सरकारी कर्मचारी के। हम लोग को जाता है अगर किसी तरह से मान लिया जाए कि हम लोग मीटिंग में है पीएससी में और सदर में पेशेंट को भेज दिए गाड़ी से, तो अब एक घंटा लेट हो जाता है तो कहते हैं कि हमारे ड्यूटी में डिलीवरी हुआ है, जो 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 डॉक्टर रहेंगे वही नाम चढ़ाएंगे और हम लोग के नाम नहीं चढ़ा पाता है। हम लोग दौड़ते रहते हैं, हम लोग ₹100 भाड़ा लग जाता है और रोज आते जाते हैं 10 दिन दौड़ते हैं तो कभी नाम चढ़ता है अन्य तो नहीं चढ़ता है। हम लोग के चाहिए कि ठीक है जौन डॉक्टर के पहले वाला डॉक्टर में ड्यूटी में हुआ डिलीवरी वो डॉक्टर बदल जाए, जौन डॉक्टर रहे अवेलेबल वही डॉक्टर नाम चढ़ा लें। ऐसा क्यों अन्याय हम लोग के किया जा रहा है कि चुनाव हो रहा था उसमें इलेक्शन ड्यूटी हम लोग किए हैं उसमें नहीं हम लोग के अभी तक पैसा नहीं मिला। आज बयान एक बार हम लोग लिखित सूचना भी दिए लेकिन नहीं मिला, इसमें भी हम लोग सभी आशा ड्यूटी किए हैं और कोई काम करते हैं समय से हम लोग के मजदूरी नहीं मिलता है। और कहने के मतलब है कि हम लोग के पारितोषित नहीं मानदेय दिया जाए, कमीशन बंद किया जाए और मानदेय दिया जाए। और सदर अस्पताल है, हम लोग के सदर अस्पताल में पहले रूम दिया गया था और रूम जो है से वो भी छीन ले गया तुड़ ताड़ के। हम लोग के एड बेड कहाँ बिक दिया गया कोई पता नहीं है। हम लोग आते हैं बैठने के लिए भी सुविधा नहीं मिलता है और कहते हैं कि नाम चढ़ाइए चढ़ा के चले जाइए और पेशेंट कहता है कि नहीं तुम जाओगी तबे हम जेबे करेंगे न तो नहीं जाएंगे। आप रहिए आप रहिए तब रहेंगे न तो नहीं रहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आशा कुमारी, आशा कार्यकर्ता है। अच्छा, तो आप लोग किस लिए धरना पर हैं? हम लोग धरना पर बैठल हैं कि हम लोग के कमीशन नहीं वेतन दिया जाए और जो काम करते हैं से समय से काम का मजदूरी दिया जाए। आरोप लग रहा था कि से 1000 रुपये लेते हैं तब हम लोग को प्रोत्साहन राशि या जो भी राशि मिलता है उसका भुगतान होता है। हाँ, पदाधिकारी बोलते हैं कि तब देंगे लेकिन हम लोग नहीं दे पाते हैं। अच्छा, तो मांगा जाता है? हाँ मांगा जाता है ना। किनके द्वारा मांगा जाता है? हॉस्पिटल के सब स्टाफ जो हैं ऐसे लोग मांगते हैं। बहुत सारे स्टाफ हैं, उनमें किसी का नाम बता सकते हैं? नाम हम किसको बताएं? सबका मिली जुली है, सब मिली जुली रहता है। क्या इसमें सीएस का भी हाथ है? सीएस सर हम लोग से नहीं पैसा मांगे हैं। न तो क्या उनको कोई तो कोरोना के पैसा में बोला गया था, मैसेज गया था, पैसा वहाँ से रिटर्न हो गया। इन्हें कोरोना वाला पैसा आपसे मांगा गया था? हाँ, कोरोना वाला पैसा मांगा गया था कि से क्या क्या कोरोना में उसी घड़ी बोला गया था कि 18000 रुपया हम इसी शर्त पर देंगे कि 1800 रुपया आप लोग दीजिएगा तब देंगे। ऐसा कौन बोले थे? अब इतना हम नए नए हैं तो हमें ना पता है नाम के। तो यहाँ पर आशा कार्यकर्ता लोग हैं, क्या नाम है आपका? शीला देवी। आप लोग किस लिए धरना पर आए हुए? धरना पर आए हैं इसी के लिए कि हमने काम करते हैं तो हमने के पैसा नहीं मिलता, मानदेय के तौर पर मिले, मानदेय के तौर पर मिले पर सहा राशि हमने के कमीशन नहीं चाहिए, हमने के वेतन चाहिए। वेतन का मांग के लेकर? हाँ मांग के लेकर। और कुछ मांग है? काम करते हैं लेकिन वो पैसा नहीं मिलता है। इस साल के वो साल, वो साल के वो साल, अभी कोरोना में काम किए हैं इतना महामारी में अब अभी तक पैसा नहीं मिला है। हम लोग 2014 से काम किए हैं टीबी विभाग में, टीबी खिलाए हैं पेशेंट को, टीबी मुक्त कराए हैं, उसका पैसा अभी तक नहीं मिला है। कोरोना में हम लोग घर घर जाके सर्वे किए, उसमें बोला गया कि से आप लोग कीजिए तो 200 रुपया के रोज मिलेगा लेकिन 1 रुपया नहीं पैसा मिला। पैसा आया और यहाँ से पैसा रिटर्निंग कर हो गया और उसमें हम लोग लेटर भी दिए, लास्ट तक लेटर भी दिए तो नहीं मिला। बोले सर कि से रुकिए से पैसा जो है से रिटर्न हो गया, पैसा मंगवा के देंगे, अभी तक ले नहीं मिला।